आज सुनने में आता है देश के कई हिस्सों में लंबे लंबे बिजली के पावर कट लगते हैं, कहीं 7 घंटे का पता चलता है, उस राज्य में 7-7 घंटे के पावर कट, इस राज्य में 8-8 घंटे के पावर कट, कई कई घंटे बिजली नहीं आती। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा अमीर देश है, पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा विकसित देश है जिसमें लोगों को 24 घंटे बिजली नहीं मिलती? जब तक हमारे देश के अंदर 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगेंगे, हमारा देश कभी विश्वगुरु नहीं बन सकता। कहने को बड़े बड़े भाषण दिए जा सकते हैं, जब तक हमारे देश में 24 घंटे बिजली नहीं होगी, इंडस्ट्री कैसे तरक्की करेगी, किसान कैसे बुआई करेगा अगर हमारे देश के अंदर 24 घंटे बिजली नहीं होगी तो। अगर हमें दुनिया में विश्वगुरु बनना है तो अपने देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करना पड़ेगा। हमारे देश में लंबे लंबे पावर कट क्यों लग रहे हैं, बिजली क्यों नहीं आती, क्या बिजली की कमी है? अब मैं आपको एक ऐसा आंकड़ा बताने वाला हूं जिसे सुन के आप चौंक जाएंगे। हमारे देश में 4.25 लाख मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता है। कितनी क्षमता है? 4.25 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता है। यानी कि हमारे देश में इतने पावर प्लांट हैं कि वो सारे अगर 100% क्षमता पे काम करें तो 4.25 लाख मेगावाट बिजली बना सकते हैं। और हमारे देश की बिजली की डिमांड कितनी है? पीक डिमांड, यानी कि सबसे ज्यादा डिमांड, जैसे दोपहर के टाइम में सारे लोग एसी चला लेते हैं तो सबसे ज्यादा बिजली, उसको पीक डिमांड कहते हैं। पीक डिमांड हमारे देश की केवल 2 लाख मेगावाट है। हमारी 4.25 लाख मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता है लेकिन केवल 2 लाख मेगावाट बिजली की डिमांड है, फिर भी बिजली नहीं आती, फिर भी पावर कट लगते हैं, फिर भी हमारे घर में बिजली नहीं पहुंचती, क्यों, क्या कारण है? मिसमैनेजमेंट, भ्रष्टाचार, लैक ऑफ विजन। पहले दिल्ली में भी ऐसा ही था, 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी, मेरे को याद है 2014 की गर्मियां, मेरे को आज तक याद है, जब रात को 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगा करते थे। दिल्ली में हमने ठीक कर दिया, यहां भी मैनेजमेंट खराब था, दिल्ली का मैनेजमेंट हमने ठीक किया, आज पूरे देश में दिल्ली अकेला शहर है जहां 24 घंटे बिजली आती है। अब दिल्ली में पावर कट नहीं लगते, अब दिल्ली में बिजली नहीं जाती, लोगों ने जनरेटर खरीदने बंद कर दिए, इन्वर्टर खरीदने बंद कर दिए, अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। पंजाब में भी पहले यही हाल था, लंबे लंबे पावर कट लगते थे, बिजली आती नहीं थी, 6-6 घंटे के, 7-7 घंटे के। अभी 1 साल हुआ पंजाब में सरकार बने हुए, पंजाब में 24 घंटे बिजली आनी चालू हो गई है, पंजाब में भी अब 24 घंटे बिजली आती है, देश में भी 24 घंटे बिजली आ सकती है अगर हमारी 4.25 लाख मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता है, तो हमारे देश के अंदर भी 24 घंटे बिजली आ सकती है। मैनेजमेंट ठीक करना है, भ्रष्टाचार खत्म करना है, 3 से 4 साल लगेंगे, 3 से 4 साल के अंदर पूरे देश के अंदर 24 घंटे बिजली आ सकती है, पावर कट खत्म हो सकते हैं। और जब देश में पावर कट खत्म होंगे, 24 घंटे बिजली आएगी, तभी तो हमारा देश विश्वगुरु बनेगा। लंबे लंबे पावर कट से विश्वगुरु कैसे बनेगा? एक और बात है, कोई पावर प्लांट अगर 50% कैपेसिटी पे चलता है तो वो जो बिजली पैदा करता है वो बहुत महंगी होती है,
और अगर 100% कैपेसिटी पे काम करता है तो वो बहुत सस्ती बिजली पैदा करता है। अगर हम अपनी पूरी 100% क्षमता पे 4.25 लाख मेगावाट बिजली पैदा करनी चालू कर दें, देश में बिजली के रेट आधे हो जाएंगे, हम बिजली एक्सपोर्ट करना चालू कर देंगे, दूसरे देशों को भारत बिजली देना चालू करेगा और अपने देश के अंदर 24 घंटे बिजली आनी शुरू हो जाएगी, तभी मेरा भारत विश्व गुरु बनेगा। मैंने दिल्ली में मुफ्त बिजली देनी चालू की, 200 यूनिट तक लोगों के बिजली के बिल हमने माफ कर दिए। कुछ लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, पंजाब में जब सरकार बनी पंजाब के अंदर भी हम लोगों ने लोगों को बिजली मुफ्त देनी चालू कर दी कि अगर आपका 200 यूनिट तक का बिजली का बिल आता है तो आपको बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा। कुछ लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, कुछ लोगों ने मेरी बहुत निंदा की, कुछ लोगों ने कहा केजरीवाल फ्री की रेवड़ी देता है। आज मैं देश के सामने दो विकल्प रख रहा हूं। पहला विकल्प, अगर हमें पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के 200 यूनिट तक के बिजली के बिल माफ करने हैं, केवल 1.5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। अगर हमें अपने देश के 140 करोड़ लोगों के 200 यूनिट तक के बिजली के बिल माफ करने हैं तो केवल 1.5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। और अभी हम अखबारों में पढ़ते हैं कई बार कि 4 बड़े बड़े अरबपतियों के 1.5 लाख करोड़ रुपए के बैंकों के कर्जे माफ कर दिए। मैं आज देश के सामने दो विकल्प रख रहा हूं कि क्या 140 करोड़ लोगों के 200 यूनिट बिजली के बिल माफ होने चाहिए या 4 अरबपति लोगों के 1.5 लाख करोड़ रुपए के बैंकों के कर्जे माफ होने चाहिए। देश तय कर ले, जो देशवासी कहेंगे वही होना चाहिए।